खवा गणिसा राम राम सा, आप देख रिया हो झलको सीकर, मैं नंदिता आपरे साथ। आज बात शेखावटी रा ईयान का नेता की करा, जरा विरोधी हा पर दुश्मन कोई नहीं हो। वे कहता मैं दोस्त बनाऊं दुश्मन नहीं। राजनीति का दबंग नेता माना जाने वाला देश का पूर्व उपराष्ट्रपति और प्रदेश का मुख्यमंत्री रिया भैरव सिंह शेखावत जी की आज 14वीं पुण्यतिथि है। सभा ने बाबोसा बोलता है, बाबोसा सभाओ मिलनसार हा, 15 मई 2010 ने बारो निधन हुई क्यों। राजस्थान की सियासत का इतिहास की जब भी बात हुए तो बाबोसा को जिक्र जरूर हुए। बाबोसा या ठाकर साहब का नाम हो खुदरी अलग ही पैठ बनाने वाला पूर्व उपराष्ट्रपति दिवंगत भैरव सिंह शेखावत जनसंघ लेर भाजपा तक का सफर में व दिग्गज नेता का उदाहरण में शामिल है, जारी भूमिका ने कोई नजरअंदाज नहीं कर सके। 23 अक्टूबर 1923 ने तत्कालीन जयपुर रियासत का गाँव खाचरियावास जो की आज को सीकर है, देवी सिंह शेखावत और बनकवर के घर हुआ हा भैरव सिंह शेखावत जी। भैरव सिंह शेखावत किशोर अवस्थाओं ले राजनीतिक करियर में हर तरह का उतार चढ़ाव ने महसूस करिया हा, पर जीवन की अड़चना ने चुनौती समझकर हमेशा भी रो सामनो करियो। आई वजह है कि वे सफल और दिग्गज राजनेता की पहचान बना पाए। गाँव की पाठशाला में अक्षर ज्ञान प्राप्त करवा के बाद हाई स्कूल की शिक्षा गाँव 30 किलोमीटर दूर जोगनेरू प्राप्त करी, जटे पढ़ने के लिए बाने पैदल जानो पड़तो हो। फिर जयपुर का महाराजा कॉलेज में दाखिलो लियो हो। पिता का देहांत के बाद पारिवारिक स्थितियां के चलते बाने खुदरा हाथ में हल उठानो पड़ियो। हालांकि के बाद पुलिस की नौकरी भी करी, पर भी में बा को मन नहीं लागियो और त्यागपत्र देकर वापस खेती करने लग गया। राजस्थान में वर्ष 1952 में विधानसभा की स्थापना हुई तो शेखावत जी भी खुदरो भाग्य आजमाया और विधायक बन गया। बीरे बाद वे कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ता हुआ विपक्ष का नेता मुख्यमंत्री और उपराष्ट्रपति पद तक पहुंच गया। भैरव सिंह शेखावत जी राजस्थान का मुख्यमंत्री के तौर पर प्रदेश का विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे शिक्षा, बालिका के उत्थान और बारे कल्याण, अनुसूचित जाति जनजाति अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग और शारीरिक विकलांग लोगों की स्थिति में सुधार पर बल दिया। बारो मुख्य उद्देश्य गरीबा तक अधिकारों को लाभ पहुंचाना हो। वे लोगों ने परिवार नियोजन और जनसंख्या विस्फोट हो राज्य का विकास पर पड़ने वाला दुष्परिणाम के बारे में भी जागरूक किया है। लोगों की आर्थिक मदद के लिए वे नई निवेश नीतियां शुरू करी जिनमें उद्योगों का विकास, खनन, सड़क और पर्यटन शामिल हो। वे हेरिटेज होटल और ग्रामीण पर्यटन जिया की योजना ने लागू करने को सिद्धांत दिया है, जिन राजस्थान का पर्यटन क्षेत्र में वृद्धि हुई। इस प्रकार बारे कार्यकाल के दौरान राजस्थान की अर्थव्यवस्था और वित्तीय स्थिति बेहतर हुई। राजपूत समाज जो अलग हटकर भैरव सिंह शेखावत जी जमींदारी उन्मूलन रो समर्थन करिया और राजपूतों की नाराजगी के बावजूद सती प्रथा की निंदा भी करी। भैरव सिंह शेखावत वह नेता हा जो सती प्रथा ने बंद करने के लिए खुदरा समाज के विरुद्ध ही आवाज उठाई। जब रूप कंवर सतीकांड सामने आयो तो पूरा राजपूत समाज सती प्रथा की हिमायत में खड़ो हो। हजारों राजपूत तलवार भांजता जयपुर की सड़का पर सती की जय जयकार करता निकलिया तो बाबोसा खुदरो प्रगतिशील चेहरों और निर्भीक स्वभाव दिखाया। 20 समय का राजनीतिक नेता में से बाबोसा में इतना दम हो कि वे खुदरी बिरादरी के सामने खड़ा हुआ और पुरजोर विरोध करया कि हाँ सती प्रथा अनुचित है। इबर राजपूत समाज जो एक बड़ो हिस्सो बारे खिलाफ में खड़ो हुई गयो, पर खिलाफत बाबोसा ने विचलित नहीं कर सकी। 20 समय में जब कोई नेता खुदरी जाति या खाप की पंचायत के आगे खड़े होने की हिम्मत भी नहीं करता, 20 समय में वे शेखावत जी हा जो डटकर खुदरी बात पर अड़ा रिया। बीजेपी का संस्थापक सदस्य में रिया भैरव सिंह जी की स्वीकार्यता सभी दला में दलगत राजनीति ऊपर उठकर ही। उपराष्ट्रपति का चुनाव में बारे विरुद्ध दलित नेता सुशील कुमार सिंधे ने ये उद्देश्य खड़ा करया गया हा कि वे एनडीए खेमे का दलित मता में सेंधमारी करी, पर जब परिणाम आयो तो मालूम पड़ो कि उल्टा भैरव सिंह शेखावत जी का पक्ष में विपक्षी दला में भारी क्रॉस वोटिंग हुई। पर वो भी तथ्य है कि स्वर्गीय भैरव सिंह जी का मुख्यमंत्री काल में ही राजस्थान में राजपूत विधायकों की संख्या घटकर 16 तक आई है और जाट विधायकों की संख्या बढ़कर 50 तक पहुंच गई है। बेजाटा ने बीजेपी में जोड़ने को भरसक प्रयत्न करया पर बाने सफलता नहीं मिली। 8 तक की राजस्थान विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में वे खुदरा भतीजा प्रताप सिंह खाचरियावास के विरुद्ध में जाट छात्र नेता पूनिया ने समर्थन दिया हा। तो आही शेखावटी राव बाबोसा की स्टोरी, जो पुलिस की नौकरी छोड़ गाँव में खेती करने लग गया, जरा बड़ा भाई ने चुनाव लड़ने को ऑफर आयो और बड़ो भाई छोटा भाई ने टिकट दिला दिया, जो चुनाव लड़ने के लिए पत्नी 10 रुपया लेकर घरों निकलिया हा और वापस आया तो जीत हासिल करके आया है। सीकर री खबर अपनी खुदरी मातृभाषा राजस्थानी में देखने के लिए सब्सक्राइब करो सिर्फ झलको सीकर ने। वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो और बरकरार रखो झलको पर आप प्यार और विश्वास। वीडियो पर आपका जो भी विचार है कमेंट करके जरूर बताइए। खमा गणिसा।